नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई 4% की बढ़ोतरी, डीए एरियर का भी मिलेगा कर्मचारियों को फायदा। इस दिन से होगा महंगाई भत्ता लागू। तो दोस्तों, किस दिन से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी की। दोस्तों, पिछले दो महीने से केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन अब इसका ऐलान हो गया है। इस बार महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने के बाद महंगाई भत्ते में अच्छी बढ़ोतरी की पहल से ही उम्मीद की जा रही थी। जून महीने में इंडेक्स 0.2 पॉइंट बढ़ा है। इसके बाद अब महंगाई भत्ते का भुगतान अगले महीने से होगा। AICPI की पहली 6 माह के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जिनमें इंडेक्स 0.2 पॉइंट की तेजी के साथ 129.2 पर पहुंचा था। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को तय करने के लिए सरकार इस इंडेक्स के आंकड़ों का इस्तेमाल करती रहती है। इंडेक्स में आई तेजी से डीए में 4% की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया जाएगा। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को इसका फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, डीए में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारी का कुल महंगाई भत्ता 38% हो चुका है। नया महंगाई भत्ते का भुगतान सितंबर 2022 की सैलरी में हो जाएगा। इसमें 2 महीने जुलाई और अगस्त के एरियर का पैसा भी दिया जाएगा। दोस्तों, नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू माना जा रहा है। कुल मिलाकर नवरात्रि के दौरान ही सरकार इसका भुगतान करेगी और कर्मचारियों के जेब में मोटा पैसा आएगा। सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल 1 56,900 रुपये सैलरी है। 38% के हिसाब से 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर सालाना डीए में कुल इजाफा 6,840 रुपये मिलेगा। कुल 720 रुपये महीने डीए में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये पर सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 27,312 रुपये होगा। 34% के मुकाबले इस सैलरी ब्रैकेट वालों को 2,276 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। दोस्तों, डियरनेस अलाउंस में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 38% हो चुका है। इसमें पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 34% था। महंगाई भत्ते का भुगतान सितंबर 2022 की सैलरी में होगा, जबकि बढ़ा हुआ डीए जुलाई से लागू हो जाएगा। यानी कर्मचारियों के खाते में 2 महीने जुलाई और अगस्त के एरियर का पैसा भी आएगा। कुल मिलाकर त्यौहार के समय कर्मचारी के खाते में डीए एरियर का मोटा पैसा आने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।